दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन ट्रेड क्लब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट का जो रहस्य है, जो आज तक स्टॉक मार्केट में मैंने काम करके जाना है कि स्टॉक मार्केट से क्या बहुत पैसा कमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है तो वो कौन से मंत्र हैं, वो कौन से रहस्य हैं स्टॉक मार्केट के, जहाँ जिनका हम इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, क्या सभी लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं मैं इस वीडियो के अंदर। तीसरी बात है, जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर चुके हैं, जिनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं, क्या वो ठीक हैं या गलत हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, क्या स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं या नहीं कमाए जा सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए हैं, वो सिर्फ यही कहेंगे कि यस, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है, उनको हमेशा ये लगेगा कि स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं। इसके पीछे दो रीज़न हैं। स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पैसा कमाया है, वो वहाँ पर वो सीक्रेट जानते हैं, जो सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो कौन सा सीक्रेट है जिन्होंने पैसा स्टॉक मार्केट से कमाया है और वो ये दमखम के साथ कहते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, और वो कौन से ड्रॉबैक पॉइंट्स है कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट में लॉस किया है और वो कहते हैं कि वो भी पूरे दम के साथ कहते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, स्टॉक मार्केट स्कैम है, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, वो सीक्रेट पॉइंट, तीन पॉइंट जो सीक्रेट पॉइंट है वो कवर करना चाहूँगा। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट किसी भी कोर्स से, किसी भी चीज़ से आप सीख नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। स्टॉक मार्केट में आप बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है स्टॉक मार्केट की, ठीक उसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं करनी है जैसे आप को किसी मीन स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। सपोज़ कीजिए कोई बॉलर है, जो क्रिकेट के मैच में कोई बॉलर है, हर बॉल का एक अपना अलग पैटर्न है। आप बहुत सारी बॉल्स जब खेल लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आपने हज़ारों बॉल्स खेली हैं, लाखों बॉल्स खेली हैं, तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली जब वो बॉल है वो किस बिहेवियर की बॉल है, उसका बिहेव कैसा है, वो किस तरह से आएगी बैट्समैन के पास और बैट्समैन उस बॉल को कैसे प्ले करेगा। तो स्टॉक मार्केट में बहुत कम पीरियड में जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो वो लोग इस चीज़ से सावधान हो जाए, क्योंकि ये एक सीक्रेट है कि स्टॉक मार्केट में उसी तरह की प्रैक्टिस चाहिए जिस तरह की एक बैट्समैन को प्रैक्टिस चाहिए होती है क्रिकेट मैच खेलने के लिए। और क्रिकेट मैच खेलते समय वो हर एक बॉल को ऑब्जर्व करता है कि उसने वो बॉल पहले भी खेली होती है, और अगर वो उसी तरह के पैटर्न को वो पहले समझ लेता है तो स्टॉक मार्केट में उसी तरह से वो ट्रेड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ में ये सीक्रेट भी है। दूसरा सीक्रेट है रिस्क। एक ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता है वो जानता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, और जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं वो ये सोच के आते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है और वो बड़े पैसे लगाएंगे या वो अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि वो रिस्क मैनेज करना जानते हैं। उन्हें पता है कि जो बॉल वो खेल रहे हैं, अगर वो बॉल चूक गई तो कम से कम उनका रिस्क क्या होने वाला है। अगर उनका रिस्क होता भी है, अगर वो ट्रेड उनका फेल भी हो जाते हैं, तो उन्हें कितनी कैपिटल उनकी लूज होने वाली है, इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। ये दूसरा सीक्रेट है स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा कमाते हैं उनका। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है माइंडसेट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक ऐसा व्यक्ति जिसका माइंडसेट ठीक नहीं है, जिसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, जिसके अंदर बहुत डर रहता है, जिसके अंदर या बहुत लालच है पैसे को लेके, वो व्यक्ति भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा। क्योंकि इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपके पीछे डर रहेगा तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी आप अपनी पोजिशन, अगर आप डर रहे हैं, आपको बहुत सारा लॉस हो चुका है, तो वैसे ट्रेड जहाँ पर आपको मीन पूरी पावर के साथ ट्रेड लेना था वो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे पूरी पावर के साथ, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फियर है, कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है पिछले लॉसेस को देख के, और पिछले लॉसेस से आप डरे हुए हैं, इसलिए आप जहां पे आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था फुल कैपिटल के साथ, फुल पावर के साथ, वो ट्रेड भी आप मिस कर देते हैं फियर की वजह से। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है
आपके अंदर जो माइंडसेट का पार्ट है, दूसरा है आपका लालच, आपका आपकी ग्रीड। ग्रीड आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में सफल नहीं होने देगी, क्योंकि आप अगर आपका एक बार प्रॉफिट हो गया है तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्रॉफिट आपके दिमाग में छा जाएगा कि ये प्रॉफिट मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो अगले ट्रेड में उतना ही प्रॉफिट या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। ये साइकोलॉजी अपने आप डेवलप हो जाती है और नए ट्रेडर्स नहीं समझ पाते हैं कि ये साइकोलॉजी हमारे माइंडसेट का पार्ट है, हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। तो उस समय वो जब उन्हें ट्रेड नहीं लेना था या अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखनी थी, ऐसे समय में वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, लालच की वजह से बढ़ा देते हैं, और उस लालच में जब उनका लॉस होता है तो पिछले वाले लॉसेस से बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसे ट्रेडर्स को लगता है कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है, स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, वो सारे लोग स्टॉक मार्केट को इसी तरह से ब्लेम करने लगते हैं। तो ये जो तीन सीक्रेट पार्ट हैं, पहला जो पार्ट है स्टॉक मार्केट में वो है प्रैक्टिस का पार्ट, दूसरा पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, तीसरा पार्ट है साइकोलॉजी का पार्ट। तो देखिए, प्रैक्टिस एक दिन की प्रैक्टिस से प्रैक्टिस नहीं होने वाली है, प्रैक्टिस के लिए आपको समय चाहिए, साल भर का, 6 महीने का। कोई प्लेयर है उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है कि वो कितने दिन प्रैक्टिस कर ले तो परफेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कोई 6 महीने में प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जा रहा है, कोई साल भर में प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाएगा, किसी को 5 साल लगेंगे परफेक्ट हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि कोई 10 साल भी प्रैक्टिस कर ले वो परफेक्ट ना हो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं और बहुत तरीके के लोग होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। और ज़रूरी नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या हर आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है? दोस्तों, हर आदमी स्टॉक मार्केट से नहीं पैसे कमा सकता है, क्योंकि हर आदमी डिसिप्लिन नहीं होता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में देख लीजिए, कितने लोग अपने फिजिकल को लेके, मीन अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं। उन्हें पता है कि सुबह वॉक करने से, हेल्दी फूड खाने से वो फिट रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का पार्ट हो जाता है। तो सारे लोग डिसिप्लिन नहीं हो सकते, तो सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। सारे लोग जो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितनी प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के चार्ट पे, मीन अलग अलग स्टॉक के चार्ट पे, अलग अलग इंडेक्स के चार्ट पे जितनी प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए, वो प्रैक्टिस भी एनफ नहीं होती उनके लिए। इसलिए वो लोग भी स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हैं। और असली स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना एक कोई इजी वे है, लेकिन उसके